देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर में एक पोएटिक टर्म है या लिटरेरी टर्म है, वर्स। तो शुरू में वर्स किसको बोलते हैं, इसका क्या अर्थ और मतलब होता है, सबके बारे में जानेंगे और एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेयर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेयर डेस्क पे स्वागत है। क्या मतलब होता है वर्स का? देखिए, वर्स मतलब होता है मेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स इन पोएट्री इज कॉल्ड वर्स। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हुआ किसी कविता में, किसी गजल में, किसी नजम में छंदबद्ध लेखन की एक पंक्ति है वर्स। एक तो होता है कविता, गजल, पोएट्री, जो कि पूरे के पूरे पोएट्री को, पूरे पूरे सारे लाइनों को मिला करके हम उसको बोलते हैं पोएम या पोएट्री। लेकिन वर्स थोड़ा सा अलग होता है। वर्स इज इक्वल टू स्टंजा, वन स्टंजा इज इक्वल टू वन वर्स। तो वर्स का मतलब छंद, कविता, पद, कविता या गीत का एक हिस्सा। साफ पता चल रहा है कि एक हिस्सा का क्या मतलब हुआ, मतलब बैत, शेर, बंद या कोई नजम, मतलब एक पार्ट, एक टुकड़ा, एक एक्सेल्टेड पार्ट को हम वर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक लिरिक पोएम है या फिर आप एक नर्सरी पोएम है बच्चों के लिए, कि टेल मी अ स्टोरी, सिंग मी अ सॉन्ग, गिव मी अ स्माइल टू होल्ड ऑल नाइट लॉन्ग। देखिए, ये फर्स्ट वर्स है। सेकंड वर्स क्या है यहां पर? टेल मी अगेन, सिंग मी अ ट्यून, गिव मी अ ड्रीम टू टेक टू द मून। ये सेकेंड वर्स है। सबका निचोड़ यही है कि पोएट्री में कुछ लाइनों के ग्रुप को जिसको मिला दिया जाता है उसको हम वर्स बोलते हैं। जस्ट लाइक अ पैराग्राफ इन राइटिंग, जब हम राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो पैराग्राफ वाइज लिखते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे अंश जो है उसमें पूरी हो जाती हैं, बहुत सारी बातें जो हैं पूरी हो जाती हैं, तो उसी को हम पैराग्राफ बोलते हैं। तो वही है आपका वर्स, मतलब पोएट्री इन वर्सेस, पोएट्री इन स्टंजाज। ठीक है, तो उम्मीद आपने वर्स को इंग्लिश लिटरेचर में और पोएटिक टर्म के तौर पे अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।